नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 10 जून 2021 को आने वाला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें सूर्य ग्रहण से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। एक्चुअली जब से पेंडेमिक आया है तब से सूर्य ग्रहण को एक बड़े लेवल पर देखा जाने लगा है। जी हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब से पेंडेमिक आया है तभी से सूर्य ग्रहण को हर बार कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश करी जा रही है। और 26 दिसंबर 2019 का जो सूर्य ग्रहण था, उस सूर्य ग्रहण के बाद से अब तक जितने सूर्य ग्रहण आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग सा होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हर सूर्य ग्रहण में पेंडेमिक को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसीलिए 10 जून 2021 का ये जो सूर्य ग्रहण आने वाला है, क्या ये भी किसी तरह की पेंडेमिक को इन्वॉल्वमेंट में लेके आता है या फिर ये सूर्य ग्रहण से भी क्या हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बहुत सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर है और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स सभी के दिमाग में है। देखिए, कुछ दिनों पहले चंद्र ग्रहण भी आया था। चंद्र ग्रहण जब आया था तब मैंने बताया था कि आपको क्या क्या होने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। चंद्र ग्रहण के भी समय भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी, बट एट द एंड हुआ सिर्फ इतना सा कि बहुत ज़्यादा कुछ खराबी नहीं हुई। सिर्फ साइक्लोन का इंडिकेशन जो था शुरू से, पानी से रिलेटेड त्रासदी जो थी शुरू से, बस वो ही हमें देखने को मिली। इसके अलावा हमें और कुछ भी देखने को नहीं मिला। सो यहाँ पर ये तो कहीं ना कहीं कन्फर्म है दोस्तों कि जैसे जैसे समय आगे बदलेगा वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती जाएंगी, और हर बार हर ग्रहण एक जैसा नहीं होता। एवरी टाइम यू कांट से दैट देयर इज इक्लिप्स एंड बिकॉज ऑफ द इक्लिप्स देयर इज अ पेंडेमिक। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। जब 2019 के बाद जब 2020 में मई के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस समय भी यही धारणा बनाई गई थी कि ये सूर्य ग्रहण जो रहेगा ये पेंडेमिक को और ज़्यादा बढ़ा देगा, और ज़्यादा ख़राब कर देगा। बट उसी समय मैंने वीडियो बना के बताया था कि वो जो सूर्य ग्रहण रहेगा वो मेडिसिन के क्षेत्र में एक तरक्की देगा, क्योंकि वो मेडिकल साइंस को एक बड़े लेवल पर अच्छे से देख रहा था, और वही वहाँ पर हमें देखने को भी मिला था। मेडिकल साइंस में हमें अच्छी तरक्की भी देखने को मिली थी। उसके बाद जब दिसंबर में सूर्य ग्रहण आया था, जब नवंबर या दिसंबर के आसपास 2020 में जब सूर्य ग्रहण आया था, तब भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई थी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। बट एट द एंड रिजल्ट हम सभी के सामने है कि सूर्य ग्रहण पे उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था जितना बाद में दूसरी चीज़ों के कारण से होता गया। नाउ अगेन द अनदर इक्लिप्स यहाँ पर, द रिंग ऑफ फायर यहाँ पर हमें दिखने वाला है। 10 जून 2021 द रिंग ऑफ फायर भारत में नहीं दिखने वाला। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत में ये वाला जो सूर्य ग्रहण है ये नहीं दिखने वाला है। इसीलिए भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम उसको बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहण के कारण से भारत में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, जब भी कोई भी इक्लिप्स आता है तो उसके कारण से कुछ इवेंट्स निकल के आते हैं, एक इक्लिप्स के प्रभाव से कुछ इवेंट्स निकल के आते हैं, और उस इवेंट्स में हमें ये कैलकुलेशन देखना पड़ता है कि वो इवेंट कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर ये जो इक्लिप्स है दोस्तों, इस इक्लिप्स का मेन प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ने वाला है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो 10th of June 2021 का जो मेन प्रभाव पड़ने वाला है इक्लिप्स का, ये तीन जगह प्रमुख पड़ने वाला है। पहला आपका पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और तीसरा इसका प्रभाव पड़ेगा चाइना के ऊपर। तीन जगह पर इक्लिप्स का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्लिप्स दिखाई देगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इक्लिप्स दिखाई देगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन जगहों पर इक्लिप्स का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। प्रभाव इफेक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। भारत पर इसका प्रभाव दिखाई देगा या नहीं देगा? तो भारत पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारत में ऑलरेडी चीज़ें फिक्स्ड हैं। प्लैनेटरी पोजिशंस के आधार पर जो चीज़ होनी है वो होकर ही रहेगी, उसे चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भारत में इस इक्लिप्स के कारण से कोई अलग मूवमेंट, कोई अलग चीज़ें चेंज यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो अगर मैं इक्लिप्स को केंद्र में रख के अगर कोई प्रेडिक्शन करूँ, कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लास्ट संडे को भी प्रेडिक्शन किया था कि इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है या राजनीतिक उठापटक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है,
अब मैं इसको इकोनॉमी से जोड़ दूँ, इक्लिप्स से जोड़ दूँ इसको, तो वो शायद कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू हैपन नाउ। वो चीज़ ऑलरेडी ग्रहों के माध्यम से दिखाई देती है कि ये तो होकर ही रहेगी, तो उसमें वाई वी आर इन्वॉल्विंग द इक्लिप्स ओवर देयर। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट एवरी टाइम वी डू नॉट नीड टू इंक्लूड इक्लिप्स इन ऑल द थिंग्स। इस बात को हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हर बार हर ग्रहण खराब नहीं होता, कभी कभी कुछ ग्रहण अच्छे भी होते हैं, और इस साल के 2021 के जो ग्रहण हैं वो दोनों ही ग्रहण, दो सूर्य ग्रहण दिखने वाले हैं और दोनों ही सूर्य ग्रहण अच्छे होने वाले हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा, अभी मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि दोनों ही सूर्य ग्रहण अच्छे होने वाले हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस सूर्य ग्रहण के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण आने वाला है इस साल का, जो नवंबर दिसंबर के आसपास आएगा, दैट इज़ फार बेटर देन दिस सूर्य ग्रहण। वो वाला सूर्य ग्रहण जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, उसके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों कन्फर्म है कि आने वाला सूर्य ग्रहण और भी अच्छा होने वाला है, इट मीन्स कि आने वाला समय और भी अच्छा होने वाला है, ये चीज़ तो आप लिख के रख सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी ही बना के दे दूंगा कि दिसंबर के महीने में जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसके इफ़ेक्ट्स किस लेवल पर पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं 10th of June 2021 की। देखिए 10 जून 2021 का दिन अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो इस दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो रहेगा भारत के अंदर किस लेवल पे दिखेगा, तो भारत के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है, बट अमेरिका में कहाँ दिखेगा, तो अमेरिका में अमेरिकन राजनीति के ऊपर इसका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, और साथ ही साथ वहाँ के प्रेसिडेंट की हेल्थ के ऊपर इसका ज़रूर से प्रभाव दिखेगा। सो अमेरिकन राष्ट्रपति की हेल्थ को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रभाव दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कहीं ना कहीं रॉयट्स हो सकते हैं, कुछ दंगे हो सकते हैं, कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, या कोई बड़ा हादसा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में किसी न किसी डिज़ास्टर को दिखाया जाता है, मतलब कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पर हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। चाइना में क्या रहेगा, तो चाइना में सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा ये कुछ नई चीज़ को लेके यहाँ पर बाहर निकालने वाला है, जैसे कि कोई बीमारी हो गई, नई बीमारी हो गई, या फिर बीमारी का सॉल्यूशन हो गया, या फिर सीमाओं पर विवाद हो गया, बट कहीं ना कहीं चाइना के कारण से परेशानियाँ रहेंगी और चाइना के अंदर आंतरिक विवाद यहाँ पर बढ़ेगा इस सूर्य ग्रहण के बाद। इस सूर्य ग्रहण के बाद चाइना के अंदर से आंतरिक बदलाव शुरू हो जाएंगे, अंदर के बदलावों में एक नींव रख दी जाएगी। तो इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के तीन प्रभाव यहाँ पर बड़े पावरफुल जो दिखाई देते हैं सृष्टि में, बाकी सभी जगहों पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा जितना इन तीन जगहों पर दिखेगा। और भारत में इसके अलावा ऑलरेडी राजनीतिक उठक पटक होने ही वाली है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, राजनीतिक उठक पटक यहाँ पर होके रहेगी भारत में, और कहीं ना कहीं जो मैंने ऑलरेडी इंडिया के लिए प्रेडिक्शंस किए हुए हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस मैं नहीं करने वाला हूँ। परंतु एक चीज़ जो मैं और बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सूर्य ग्रहण से एक महीने के अंदर अंदर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर, वैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव तीन महीने मिनिमम रहता है, कि तीन महीने तो रहेगा ही रहेगा, और ऐसा बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण जब से शुरू हुआ है और अगला सूर्य ग्रहण आएगा तब तक इसका प्रभाव रहता ही रहता है। वैसे ये जो सूर्य ग्रहण है इसका जो मेन इम्पैक्ट है ये आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर ज़्यादा पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा, नेचर के, आपके इनर सोल के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा। आपके बातचीत करने के तरीके को बदल सकते हैं, मतलब कि आप ये देखिएगा कि सूर्य ग्रहण के आसपास या बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होगा। ये सूर्य ग्रहण जो है ये इम्पैक्ट जो मेन जो जा रहा है ये पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है, मतलब कि इस सूर्य ग्रहण के बाद हमें हमारे अंदर कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों। इसीलिए आप सभी को याद होगा मैंने एक कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है दैट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो यहाँ पर क्लियर है। ये सूर्य ग्रहण भी उसमें मदद करता है, और रिलेशनशिप्स को हमें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अभी के समय में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलते किसी भी तरह के रिलेशनशिप के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। नाउ बात आती है यहाँ पर कि मैं एक घटना जो होते हुए देख रहा हूँ सूर्य ग्रहण से लेके एक महीने के अंदर अंदर मुझे एक घटना दिखाई देती है, इसमें भारत में क्या होने वाला है, तो भारत में कहीं कोई बड़ा हादसा या फिर
कोई आतंकवादी घटना, कोई आतंकवादी हमला या फिर कहीं बड़ी आग लगना, ये भीषण घटना हो सकती है थोड़ी सी, जिसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 500 प्लस लोगों की कैलकुलेशन आ सकती है। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, 250 प्लस की तो कैलकुलेशन दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई हादसा ना हो, बट मुझे पश्चिम दिशा की तरफ ये होता हुआ दिखाई देता है। अब साउथ और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये दिखाई देता है, और साउथ और वेस्ट में मुझे भारत का साउथ वेस्ट स्पेशली मुंबई या महाराष्ट्र को मैं केंद्र में रखूँगा यहाँ पर, कि महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। या फिर यहाँ पर देखिए तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा इंडोनेशिया, यहाँ पर उस साइड में साउथ में यहाँ पर कुछ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और वेस्ट में अगर हम देखें तो अमेरिका का नंबर सबसे पहले यहाँ पर आता है, अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ यहाँ पर होने वाली है वो भी आप नोट करके रख सकते हैं, कि कुछ स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं या फिर मीडिया में एक तरह से आरोप प्रत्यारोप की भावना जागृत हो सकती है, मतलब कि मीडिया के ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मीडिया के ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, मतलब मीडिया किसी बात को गलत रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, और मीडिया के खिलाफ बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं सामने आएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो दोस्तों यहाँ पर सूर्य ग्रहण के बाद से लेके एक महीने के अंदर अंदर घट सकती है। बट एक चीज़ और है कि सूर्य ग्रहण जो है ये आप सभी को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब कि ये सूर्य ग्रहण सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता है आप सभी से। दिस सूर्य ग्रहण इज गोइंग टू डिमांड ओनली वन थिंग, विच इज हैव पेशेंस एंड हैव पीस। शांत रखें, अपने आप को धैर्य बना के रखें और शांति से रहें, बस इतनी सी चीज़ यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण मांग रहा है। क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आने वाला दूसरा जो सूर्य ग्रहण है, विच इज़ फार बेटर देन दिस सूर्य ग्रहण, मतलब कि वो जो सूर्य ग्रहण रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा सूर्य ग्रहण रहने वाला है। वो सूर्य ग्रहण क्या काम करेगा वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता दूंगा, बट अभी का जो समय है दैट इज़ इंडिकेटिंग कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये उस सूर्य ग्रहण से पहले सपोर्ट के लिए है, मतलब कि नए समय से पहले एक वार्म अप सेशन जो होता है, ये वार्म अप सेशन आपको ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर देने के लिए आया है। सो दिस सूर्य ग्रहण इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, दिस सूर्य ग्रहण इज गोइंग टू रीस्ट्रक्चर एवरीथिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि ये सूर्य ग्रहण खराब करने के लिए नहीं, रीस्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पर आया है। तो इसीलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और रीस्ट्रक्चर के इस प्रोसेस में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। और हम अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं, शांत रह के, संयम रख के, धैर्य बना के और चीज़ों को अच्छा करके, पॉजिटिव सोच के हम यहाँ पर चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी बात को समझे होंगे और आप सभी को मेरी बात ध्यान से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।